नमस्कार, एशियन भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पटेल। आइए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा दौरे पर हैं। उन्होंने मंदसौर पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए और कहा कि मैंने प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की है। मंदिर का कलश मेरी दादी ने 50 साल पहले स्वयं यहां स्थापित किया था। कहने को तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनका जलवा कितना है इससे साबित होता है कि उनके दौरे पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, मंत्री तुलसीराम सिलावट के अलावा कई सारे विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए कई नेता उनके काफिले में शामिल थे। यहां तक कि मंदसौर जिले के कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी भी प्रोटोकॉल के तहत उनकी अगवानी में लगे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर क्षेत्र में कई राजनीतिक मायनों में इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सिंधिया इस बात का खंडन कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि मेरा यहां पर सदियों से रिश्ता है और हमारा यहां की जनता से दिल का रिश्ता है, इसलिए यहां पर अपने लोगों से मिलने आया हूं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 75 करोड़ की राशि दिए जाने पर उनका आभार प्रकट किया और कहा कि उज्जैन के बाद अब अन्य मंदिरों को भी इसी तरह देखा जाएगा। मां के गर्भ में 9 महीने का समय बिताने के बाद बच्चे का जन्म होता है। कुछ महिलाएं इस सौभाग्य को पाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करती और जिन महिलाओं को यह सौभाग्य मिलता है वह उसकी कदर नहीं करती। आपने कई दफा बड़ों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है। शायद बुजुर्गों की यह कहावत सच होते हुए भी नजर आ रही है। ऐसा ही एक घटनाक्रम चंदेरी में देखने को मिला, जहां एक मासूम के जन्म लेने के पहले ही उसकी मां ने उसे नाली में फेंक दिया। बता दें, चंदेरी थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 में 5 माह की बच्ची का भ्रूण नाले में पड़ा मिला। जब आसपास के निकालने वाले राहगीरों की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल डायल 100 पर मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाली में पड़े नवजात के शव को सिविल अस्पताल चंदेरी लाया गया। आज मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शिशु पुरानी कचहरी के पास, जो आपने एड्रेस दिया है, वहाँ मृतावस्था में है। उसकी पुलिस ने जांच की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, डॉक्टर से उसकी कार्रवाई करवाई जा रही है और पूरा मामला हमारे संज्ञान में है, जांच में दिया गया है। जो विधिवत इसकी प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जा रहा है। अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगी, कौन है कौन नहीं है, कैसे क्या है, बच्चा अजन्म है क्या, वो सारी जो प्रक्रिया है इसके, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है उसका पालन। खुरई के कबीर वार्ड में खाली प्लॉट में लगे मोबाइल टावर के पास लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड एवं आसपास फेंसिंग तार न होने से हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। खाली पड़े प्लॉट में मालिक टावर कंपनियों से संपर्क कर टावर लगवाने और मोटी रकम लेने के बाद फिर वहां रह रहे लोगों की नहीं सोचते हैं और नहीं इस ओर ध्यान देते हैं कि आसपास रह रहे लोगों पर खुले में लगे टावर का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही एक मामला खुरे के कबीर वार्ड का है, जहां पर निजी कंपनी ने अपना टावर तो लगा दिया और प्लॉट के मालिक ने उससे मोटी रकम भी वसूल ली, लेकिन आसपास रह रहे रहवासियों के बारे में नहीं सोचा। टावर के इलेक्ट्रिक उपकरण खुले में लगे हुए हैं, जिससे आसपास कई बार बच्चे भी घूमते हुए नजर आते हैं, जिससे हमेशा जान माल का खतरा बना रहता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार नगर पालिका में भी की, लेकिन इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि टावर में चारों तरफ तार फेंसिंग हो जाए तो इन हादसों से बचा जा सकता है और बच्चे भी टावर के पास नहीं जाएंगे।
हम गोविंद साहू है, हम कबीर वार्ड निवासी है। हमारे यहाँ ये टावर लगा है, यहाँ डेंजर बोर्ड की लाइट के लिए खतरे का निशान है, इससे हम लोग परेशान हैं। यहाँ बच्चे लोग खेलते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ तार फेंसिंग वगैरह हो जाए जिससे बच्चे लोगों को खतरा बना हो सके, बच्चे लोग इस खतरे से दूर रहें, इससे बहुत परेशानी कभी भी हादसा हो सकता है जी। इसको तहसीलदार महोदय ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग। हमारे लिए परेशानी है कि हमारे दरवाजे के सामने बहुत कचरा पड़ा है और जो नगर पालिका वाले आए थे तो यहाँ पूरा छोड़ के चले गए, पूरे दरवाजे के सामने गंदगी मची रहती है। इसकी कंप्लेंट की आपने? कंप्लेंट डरी है नगर पालिका। हाँ। कितने दिन हो गए? ये तो नहीं मालूम है, बोल के आए थे। और क्या परेशानी है? अब और क्या, जो सामने टावर लगा है यहाँ बच्चे खेलते हैं। हाँ। बोल मोल खेलते हैं, अब यहाँ कोई परेशानी आ जाए बच्चों के लिए तो हम क्या करेंगे? लाइट है। सरकार लाख दावे करे कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ऑल इज वेल है, लेकिन समय समय पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आती है वो बताती है कि कितना सब कुछ दुरुस्त है। प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत मरीज की जान बचाने के लिए की गई थी, लेकिन इन एम्बुलेंस को इलाज की जरूरत पड़ने लगी है। टीकमगढ़ जिला अस्पताल से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए एक मरीज को रेफर किया गया था, वहीं रास्ते में 108 एम्बुलेंस की तबीयत खराब हो गई, यानी एम्बुलेंस बंद हो गई, जो जर्जर हालात वाली एम्बुलेंस को मरीज खुद धक्का लगाते हुए नजर आए। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों का जायजा लेने 7 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर जाएंगे। जिला प्रशासन तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी करने में जुट गया है। इसी को लेकर जिला अस्पताल विक्टोरिया में 20 बेड का आईसीयू वार्ड बनाया गया है, साथ ही आईसीयू वार्ड में स्वास्थ्य संबंधित उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी लहर का खामियाजा भुगत चुका प्रशासन अब तीसरी लहर को लेकर सतर्क है। तीसरी लहर को लेकर की गई तैयारियों को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और जिला स्वास्थ्य अधिकारी रत्नेश कुर्रिया ने विक्टोरिया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि वार्डों को नवीनीकरण और नए उपकरण लगाने पर भी विचार किया गया है, साथ ही प्रशासन पूरी तरह से तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। तृतीय लहर आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, उसी के तहत आज की विजिट की है। बच्चों के जो पुराने वार्ड थे उसको हम रिनोवेट करके उसका अपग्रेडेशन करने का कार्य कर रहे हैं, कर चुके हैं लगभग, जिसमें कि उनके बेड्स लगाकर, उनके ऑक्सीजन सिस्टम लगाकर, उसको एसडीयू के जो उपकरण होते हैं वो सब लगाने का कार्य हमने लोग जो हैं कल तक पूर्ण कर लेंगे। साथ साथ में जो आईसीयू हमारे पास में अवेलेबल है, आईसीयू बेड, उसको उसका विस्तारीकरण करना चाह रहे हैं, जिसमें 20 बेड का एक और आईसीयू बेड सेटअप यहाँ हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो कि आगे कोविड के लिए काम आएगा। इसके तहत जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके ही वार्ड को नवीनीकरण करके उसके पूरे इक्विपमेंट को लगाकर उसको ऑक्सीजन युक्त सिस्टम करके आईसीयू बेड में उसको कन्वर्ट कराने के कार्य का द्रुत गति से कार्य चल रहा है। कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जबलपुर प्रवास है और संभावित है कि वो तृतीय लहर में जबलपुर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या तैयारियाँ की जा रही हैं उसका भी अवलोकन करें। इस हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो हमारे कार्य हो रहे हैं, जो शिशु रोग विभाग में हम एसडीयू का उन्नयन कर रहे हैं या हमारा नया 20 बिस्तर का आईसीयू का निर्माण चालू हुआ है, इस संबंध में दौरा करने आए थे कलेक्टर साहब। बड़वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर यही बात मैं बोल देता तो मुझे तालिबानी या मुस्लिम परस्त बताया जाता। वहीं बड़वानी कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें विधानसभा में खड़ा कर सवाल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे कांग्रेस उन्हें नहीं छोड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सोमवार को स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ बड़वानी दौरे पर आए, जहां उन्होंने कोरोना में जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिजनों से हालचाल जाना। दिग्विजय सिंह ने कोरोना में सरकार की विफलता के साथ व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि यही अगर मैं कह देता तो मुझे तालिबानी या मुस्लिम परस्त कहा जाता। अगर सच में मोहन भागवत मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को हिंदू विरोधी मानते हैं या मुस्लिमों को अलग नहीं मानते तो उन्हें प्रधानमंत्री सहित योगी आदित्यनाथ और उन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पद से हटाना चाहिए।
साथ ही उन्होंने आईएएस लोकेश जांगिड़ के मामले में उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे भाजपा के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते, इसलिए उनके बार बार तबादले किए जाते हैं। शिवराज सिंह जी ने वादा किया था कि जो भी शासकीय कर्मचारी हैं, जो कि प्रशासकीय ड्यूटी पर रहते हुए जो कि कोरोना से ग्रस्त होकर उनकी मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए राहत राशि दी जाएगी। सारे अधिकारियों की तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बाला बच्चन जी चूंकि गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बताया 152 पुलिस कर्मियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जिनमें से केवल 7 लोगों को 50 लाख की राशि दी गई है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए, बाकी लोगों का केस अभी तक प्रकरण जानता हूँ। मेरे यहाँ सीओ जिला परिषद था, बेहद कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है, और जिस प्रकार से उसको वो 2014 में उसने ज्वाइन किया, 7 साल की नौकरी में 8 बार तबादला हो चुका उसका। कारण यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का में शामिल नहीं होता, इसलिए उसका तबादला हो जाता है।